हेलो दोस्तों, हमारे एक रुपोल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बेसिक इंट्रोडक्शन पर हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। आइए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम विषय को जारी रखें। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को समझने का एक शुरुआती अध्याय था। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में समझने के लिए और भी उत्पाद हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया भविष्य में इस तरह के सूचनात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के लिए हमें आपसे यही चाहिए। तो चलिए टॉपिक से शुरू करते हैं। मैं आपको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के कार्य सिद्धांत के साथ फिर से संशोधित करूंगा। आरेख में आप देख सकते हैं कि रीडर दरवाजे के दोनों ओर स्थापित हैं। जब कोई व्यक्ति रीडर पर अपना एक्सेस कार्ड दिखाता है तो उसे एक्सेस कार्ड का अपना विशिष्ट एनक्रिप्टेड नंबर प्राप्त होता है और डेटा एक्सेस कंट्रोलर को भेजता है। एक्सेस कंट्रोलर रीडर से एनक्रिप्टेड नंबर प्राप्त करता है, नंबर को डिकोड करता है, फिर आईडी नंबर की तुलना आईडी नंबर से करता है जिसे सिस्टम में लोड किया गया है। यदि नंबर मेल खाते हैं और उपयोगकर्ता दरवाजे तक पहुंचने के लिए अधिकृत है तो दरवाजा अनलॉक हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल पैनल इलेक्ट्रिकल डोर लॉक को ऑपरेट करता है। यदि किसी उपयोगकर्ता को भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो दरवाजा अपने आप अनलॉक हो जाएगा और इसे खोला जा सकता है। आइए अब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के विभिन्न मॉडल को समझते हैं। तीन मुख्य अभिगम नियंत्रण प्रणाली है, मॉडल विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण डैक, अनिवार्य अभिगम नियंत्रण मैक और भूमिका आधारित अभिगम नियंत्रण आरबीएसी। एक विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण डीएसी मॉडल में व्यवसाय स्वामी विशिष्ट लोगों को परिसर में पहुंच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय निर्माता है। डैक मॉडल सबसे अच्छा प्रकार का एक्सेस मॉडल नहीं है। डॉट एकमात्र नुकसान निश्चित रूप से अंत उपयोगकर्ता को सुरक्षा स्तरों का नियंत्रण दे रहा है जिससे कुछ निरीक्षण हो सकता है, और चूंकि सिस्टम को अनुमतियों को प्रबंधित करने में अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता होती है इसलिए कार्यों को दरार से गिरने देना आसान है। दो अनिवार्य अभिगम नियंत्रण मैक मॉडल में सिस्टम प्रशासक को एक्सेस दिशा निर्देश स्थापित करने और पूरे संगठन के लिए अनुमतियां सौंपने का अधिकार दिया जाता है। यह एक्सेस अनुमतियों और सुरक्षा मंजूरी पर व्यवस्थापक को पूर्ण विवेकाधिकार देता है। यह सिस्टम में सूचीबद्ध किसी भी चीज तक पहुंच प्रदान करने के लिए संसाधन स्वामी की क्षमता को भी प्रतिबंधित करता है। यह प्रणाली वास्तव में इतनी चतुर है कि गोपनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण सरकारी संस्थाओं द्वारा इसका आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तीन भूमिका आधारित अभिगम नियंत्रण आरबीएसी मॉडल में एक्सेस विशेषाधिकार रोजगार की स्थिति और नौकरी के शीर्षक के आधार पर दिए जाते हैं। आरबीएसी जीवन को बहुत आसान बनाता है क्योंकि कई व्यक्तियों को विशेष पहुंच प्रदान करने के बजाय सिस्टम व्यवस्थापक को केवल विशिष्ट कार्य शीर्षकों तक पहुंच प्रदान करनी होती है। आरबीएसी एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मॉडल है और प्रशासकों को उपयोगकर्ताओं को समूहबद्ध करने और केंद्रीय डेटाबेस से अनुमतियों को समायोजित करने की अनुमति देता है। आरबीएसी एक लचीला मॉडल प्रदान करता है जो उल्लंघनों और डेटा लीक के खिलाफ सुरक्षा बनाए रखते हुए दृश्यता बढ़ाता है। आइए अब एक्सेस कंट्रोल डोर रीडर्स के प्रकारों को समझते हैं। एक कीपैड रीडर्स, इसका उपयोग केवल पिन के माध्यम से अनलॉक डोर एक्सेस का उपयोग किया जाता है। यह एक अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि पास होने या चोरी होने के लिए कोई भौतिक प्रमाण पत्र नहीं है। दो आरएफआईडी कार्ड रीडर, इसका उपयोग आरएफआईडी टैग प्रॉक्सी कार्ड को पढ़ने के लिए किया जाता है जिसमें विशिष्ट पहचान डेटा होता है। आरएफआईडी निकटता आधारित अभिगम नियंत्रण प्रणालियां अक्सर पहुंच के लिए कुंजी कार्ड या कुंजी फॉब्स का उपयोग करती हैं। तीन स्वाइप कार्ड रीडर, इसका उपयोग उन कार्ड या बैच को पढ़ने के लिए किया जाता है जिनमें चुंबकीय पट्टी होती है जिसमें प्रमाणीकरण डेटा होता है। यह क्रेडिट कार्ड के आकार में आता है। चार बायोमेट्रिक रीडर्स, इसका उपयोग फिंगरप्रिंट, चेहरे या आयरिस जैसी भौतिक विशेषताओं को पढ़ने के लिए एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। पाठकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी अक्रूपोल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब एक्सेस कंट्रोलर के प्रकारों पर चलते हैं। नियंत्रक दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडअलोन एक्सेस कंट्रोल और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। एक स्टैंडअलोन एक्सेस कंट्रोल, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका उपयोग परिसर में सिंगल डोर एक्सेस के लिए किया जाता है। स्टैंडअलोन एक्सेस कंट्रोल आमतौर पर दरवाजे तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए एक या दो छोटी इकाइयां होती हैं जिन्हें सीधे एक डोर पैनल पर तार दिया जाता है। पीसी नेटवर्क की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रशासन सीधा है और कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। दो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, इसका उपयोग केंद्रीय कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में दरवाजों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सभी दरवाजे का उपयोग केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से एक ही स्थान से नियंत्रित किया जाता है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल उद्यमों को डिवाइस को नियंत्रित करने और अपने नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की पहुंच के लिए नीतियों को लागू करने में मदद करता है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल संसाधन, भूमिका, डिवाइस और स्थान आधारित एक्सेस के आधार पर नीतियां सेट कर सकता है और अन्य नियंत्रणों के साथ सुरक्षा और पैच प्रबंधन नीतियों के साथ सुरक्षा अनुपालन को लागू कर सकता है।
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे एक्सेसरीज हैं जो आवश्यक आउटपुट पर निर्भर करती हैं। आइए कुछ बुनियादी एक्सेसरीज को कवर करें। एग्जिट स्विच पुश बटन, यदि आपका दरवाजा पारंपरिक हैंडल से नहीं खुलता है तो यह आपको धक्का देने पर बाहर निकलने की अनुमति देता है। मैनुअल रिलीज बटन, इसका उपयोग नियंत्रण इकाई के अलार्म की स्थिति में होने पर रिलीज सर्किट सिग्नल को क्षण भर में बाधित करने के लिए किया जाता है। यू ब्रैकेट, जेड ब्रैकेट और एल ब्रैकेट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए ब्रैकेट चुंबकीय ताले और कांच के दरवाजे के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग चुंबकीय बिजली के ताले के साथ किया जाता है। ब्रैकेट माउंट करना आसान है और अलग अलग मोटाई के कांच के दरवाजों के लिए समायोज्य है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए ब्रैकेट में कम रखरखाव लागत और उच्च स्थायित्व है। टचलेस एग्जिट स्विच, टचलेस एग्जिट स्विच में इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करके नवीन स्पर्श मुक्त सेंसर तकनीक शामिल है। इसका उपयोग संक्रामक रोगों के प्रसार से बचने के लिए किया जाता है। लॉक पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक पावर सप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक को पावर प्रदान करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉक की शक्ति डीसी प्रत्यक्ष धारा है, लगभग 5-6W। 24 VDC का उपयोग करते समय वोल्टेज की आपूर्ति 12 VDC और 0.25 होने पर करंट लगभग 0.5 होता है। निर्माताओं के बीच भिन्न होता है और यदि एक या दो हैं तो ब्लॉक में कॉइल। सिंगल डोर और डबल डोर लॉक, सिंगल डोर जैसा कि नाम से पता चलता है कि स्वतंत्र सिंगल डोर के लिए है, जबकि डबल डोर लॉक विभाजित दरवाजे के लिए उपयोग किया जाता है। मैजेंटिक कॉन्टैक्ट, चुंबकीय संपर्क कम वर्तमान उपकरण होते हैं जो एक सशस्त्र दरवाजा खोलने पर अलार्म या पर्यवेक्षित निगरानी प्रणाली को संकेत भेजते हैं। वे इमारतों और नियंत्रित पहुंच वाले क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। की टैग, एक की टैग बारकोड प्रदर्शित करने का एक तरीका है जो आखिरकार केवल एक संख्या है। संख्या डेटाबेस में एक रिकॉर्ड का संदर्भ देती है जिसमें सभी प्रासंगिक चेक इन, लॉयल्टी और ट्रैकिंग जानकारी होती है। रिकॉर्ड में सदस्य की तस्वीर भी हो सकती है। UHF रीडर, UHF RFID रीडर 840 MHz और 960 MHz के बीच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF रेंज का उपयोग करने वाला एक उपकरण है। HF NFC पाठकों की तुलना में इसकी विस्तारित पठन सीमा एक पाठक को एक ही समय में कई टैग के साथ बहुत तेज गति से दसियों मीटर की दूरी के भीतर बातचीत करने में सक्षम बनाती है। बायोमेट्रिक रीडर, एक उपकरण जो एक नमूना डेटाबेस के खिलाफ उनके शारीरिक होने या व्यवहार संबंधी लक्षणों की कुछ विशेषताओं की तुलना करके किसी व्यक्ति की पहचान को पढ़ता है। बायोमेट्रिक रीडर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे आम है चेहरे की पहचान और हाथ की ज्यामिति। कीपैड रीडर, कीपैड रीडर आमतौर पर संख्यात्मक बटन 0-9 और कुछ प्रतीकों का एक सेट होता है। यह एक्सेस प्रदान करने के लिए केवल पिन पड़ता है। RFID रीडर, RFID डिवाइस संगत RFID टैग को स्वचालित रूप से पहचानने और ट्रैक करने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। टैग में अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित जानकारी होती है जिसे RFID पाठकों द्वारा पढ़ा जाता है। RFID टैग कई उद्योगों में और आमतौर पर सुरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रॉप बोल्ट लॉक, इलेक्ट्रिक ड्रॉप बोल्ट एक फ्लश माउंटेड मोटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसमें सोलनॉइड चालित डेडबोल्ट होता है, जिसका उपयोग विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां इलेक्ट्रिक स्ट्राइक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक का उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि डबल एक्शन 180 डिग्री स्विंग थ्रू या स्लाइडिंग दरवाजे। PIR सेंसर, निष्क्रिय इंफ्रारेड सेंसर आसपास के वातावरण में गर्मी ऊर्जा का पता लगाने के लिए पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर की एक जोड़ी का उपयोग करते हैं। ये दो सेंसर एक दूसरे के बगल में बैठते हैं और जब दो सेंसर के बीच सिग्नल अंतर बदलता है तो सेंसर संलग्न होगा और कई और विभिन्न उपकरणों की जानकारी प्राप्त करने या डेटा शीट डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.acropol.com पर जा सकते हैं। प्रोद्भवन वेबसाइट पर तकनीकी और डेटा शीट स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप सभी को यह विषय पसंद आया होगा। जल्द ही हम आप सभी के साथ नए विषय पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।